Hi students, so today we are starting with a new chapter, contract costing. This chapter is applicable to companies jo construction business ke andar hain. This is one of the two chapters jiska costing ke saath bahut zyada kuch taluk nahi hai, fir bhi aapke portion ke andar hai. One of that is contract costing jo hum log abhi kar rahe hain. The other one of them is operating costing jo hum log shayad iske baad karenge. ये वाले जो चैप्टर्स हैं दीज आर टोटली इंडिपेंडेंट. इन दोनों चैप्टर्स के अलावा जो भी आपके कॉस्टिंग का सिलेबस है वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन यही दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कनेक्टेड नहीं है. वैसे मॉड्यूल के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 9 है. मॉड्यूल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ एक और चीज भी इंक्लूड की गई है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग. लेकिन जॉब कॉस्टिंग आई विल बी डूइंग व्हेन आई एम गोइंग टू बी डूइंग ओवरहेड्स का चैप्टर, बिकॉज इट इज ऑल कनेक्टेड टू दैट. ठीक है, तो वो वाला चैप्टर जो है, जो जॉब कॉस्टिंग वाला पार्ट है, वो तब कर लेंगे. अभी हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विच आर देयर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस. कंपनीज विच कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, टनल्स एसेट्रा. ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट. अगर इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बात करूं, यू हैव अ कंपनी कॉल्ड एज HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने बांद्रा वर्ली का सीलिंग बनाया था इन मुंबई, वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ मुंबई. उन लोगों ने मुंबई पुणे का एक्सप्रेस वे भी बनाया था, एंड नियर पुणे दे ऑल हैव मेड अ सिटी कॉल्ड एज लवासा. सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज. यू हैव अ कंपनी कॉल्ड एज लार्सन एंड ट्यूब्रो विच इज डूइंग वेरी गुड नाउ. दे आर देयर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड मेनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीन देयर विद देम. One other company, Shapuchi Palanji, you might have heard of. Managing Director Cyrus Mistry, you might have heard of him. He was also the chairman of Tata Sons from 2012 to 2016, and then later on he was removed, and then he went to the Supreme Court, blah blah blah. So we are trying to deal with such kind of companies. Okay, so हम लोग ऐसी companies के बारे में बात कर रहे हैं जो construction business के अंदर हैं. ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनीज का इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है. ठीक है, सपोज कोई एक कंपनी बिल्डिंग बना रहा है. ठीक है, अभी बिल्डिंग बनने के लिए बहुत साल जाएगा, राइट? बिल्डिंग बनने के लिए बहुत साल जाएगा. ये तो नहीं है कि 2-3 महीने के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी. दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. इफ दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटोमेटिकली यहां पर ना कंप्लीशन के लिए 1 से ज्यादा साल लग जाता है. अपना काम क्या है, अगर हमारा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमारे शेयर होल्डर्स भी हैं, उन लोगों को पता करना है कि हमारा कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रहा है. यूजुअली ऐसी कंपनीज बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते हैं. इनके पास 6 साल के 10 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 15 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 20 कॉन्ट्रैक्ट होंगे. अपना काम क्या है, हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हर साल कितना प्रॉफिट आ रहा है, अपने को वो वाली चीज कंप्यूट करने की है. अगर मैं तुमको इसी स्टेज के ऊपर छोड़ दूं, तुम लोग इतना ही सोचोगे, सर प्रॉफिट चाहिए तो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आंसर आ जाएगा सर, परफेक्ट. तो दैट इज नॉर्मल अकाउंटिंग. अगर हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करें ऐसी कंपनीज के लिए तो क्या होगा. ओके, तो याद रखना, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो लिया है कुछ ना कुछ बनाने के लिए, लेकिन वो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एग्जाम्पल, अगर आप बांद्रा वर्ली सीलिंग देखो, जिसको राजीव गांधी एक्सप्रेसवे वगैरह भी बोलते हैं, तो उसको बनाने के लिए कितने साल लग गए, यू सर्च ऑन गूगल, यू विल बी कमिंग टू नो. जो मनाली से ले तक वो जो टनल है, ओके, 2009 के अंदर दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉर्डेड टू दैट कंपनी, लेकिन उसको बनाने के लिए वो 2020 के अंदर कंप्लीट हुआ है. ऑब्वियसली बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, अभी ऐसी कंपनीज के लिए अगर हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे ना, नॉर्मल अकाउंटिंग तो फिर क्या होगा, दैट इज माय फर्स्ट टॉपिक. लेकिन इस चैप्टर के अंदर आई एम गोइंग टू बी यूजिंग हेल लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स. तुमको वो वाले टेक्निकल टर्म्स थोड़े से मैं समझा देता हूं. ठीक है, तो आज का मेरा फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिंग दैट टेक्स यूजुअली मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट. ओके, कंपनी शुड बी देयर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस. हम लोग उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करें जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके रखे हुए हैं विच टेक मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट. ठीक है, ये हो गया एक चीज. सेकेंड, अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
वी आर गोइंग टू बी हैविंग टू टर्म्स जो मैं हर क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाला हूं. वन इज कॉन्ट्रैक्टर, अदर इज कॉन्ट्रैक्टी. ठीक है, हु इज अ कॉन्ट्रैक्टी? जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो वाला ब्रिज, फ्लाईओवर, डैम, बिल्डिंग वो सब बनाएगा, ही इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर. इन योर लैंग्वेज ही इज अ सेलर. ओके, कॉन्ट्रैक्टी, जिस कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और बोलता है मेरे को ये वाला चीज बनवाना है, तुम ये वाला चीज बना के दो. एग्जाम्पल के तौर पर जो बैंड्रा वाली सीलिंग है, ओके, दैट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एक्चुअली इट वॉज नॉट मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वॉज अ कॉन्ट्रैक्टी. गवर्नमेंट HCC के पास गया और उनको बोला बैंड्रा से लेके वर्ली तक आप लोग एक कनेक्टिंग रोड बनाना विच गोज थ्रू द सी. ओके, तो ये सारे प्रोसेस के अंदर जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बन गया कॉन्ट्रैक्टर, और जो हमारा गवर्नमेंट है, ओके, दैट बिकेम द कॉन्ट्रैक्टी. मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम, ओके, गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्टी ऑफ देम. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्टर इज सम कंपनी जो वो वाला नेशनल हाईवेज वगैरह वो बना रहा है. ओके, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोल देते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू मेक समथिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टी फॉर अ सम ऑफ अमाउंट. That sum of amount is going to be called as contract price. Contract price is a price agreed between both the parties for the work to be done. Okay, जैसे आपका selling price होता है वैसे आप लोगों का contract price है. ठीक है, ये एक और चीज. तो अभी तक तुम लोगों को तीन terms मैंने वो बोल दिया है. Contractor, एक मिनट, मैं terms जो है यहां पर अलग से लिखता हूं. Contractor, contractor is that particular person जो बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, फ्लाईओवर बनाने वाला है. जो बंदा उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी. ठीक है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी. अगर मैं इतना ही बोलूं तो कई लोग ऐसा सोचना स्टार्ट हो जाता है, सर मेरे पापा ने ना अभी अभी मुंबई के अंदर एक लोढ़ा डेवलपर्स करके है, सर उन लोगों से ना हम लोगों ने फ्लैट लिया है सर अभी अभी, तो सर मेरा पप्पा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या, और लोढ़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो पप्पा है वो कॉन्ट्रैक्ट ही है क्या, और जो लोढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा. ओके, याद रखना लोढ़ा जो कंपनी है ना वो लोग खुद ब खुद बिल्डिंग वगैरह वो नहीं बनाते. ओके, वो लोग किसी को आउटसोर्स करते हैं. इनफैक्ट ये सारे ट्रांजैक्शन के अंदर लोढ़ा इज अ कॉन्ट्रैक्टी, वो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डिंग वगैरह है वो लोग खुद नहीं बनाते, वो लोग किसी को आगे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम बना दो. ओके, वो जो बंदा बिल्डिंग बनाने वाला है वो बंदा कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, और लोढ़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्टी है. बोलते सर फिर मैं कौन हूं? तो कुछ भी नहीं है बेटा. ओके, एटलीस्ट हमारे इस चैप्टर के लिए तुम कुछ भी नहीं हो. ओके, सो देयरफॉर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, सपोज जो लोढ़ा है वो L&T के पास से वो काम करवाता है, तो L&T बिल्डिंग बना रहे, देयर इज, तो L&T will be called as contractor and Lodha will be called as contractee. That's how it works. ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना इसके बाद मैं तुम लोगों को क्या बोलता हूं. कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टी हो गया, दोनों के बीच में एक प्राइस एग्री होगा, दैट प्राइस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज विच प्राइस यार, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, सपोज L&T ने लोढ़ा को बोला भाई मैं तेरे लिए 10 माले का बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग तुमको उसके लिए तो तुमको हमको 10 करोड़ रुपीस पे करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इट इज अ प्राइस विच इज एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टी हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया. अभी क्या होता है, ये ना दीज आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, हम लोग ओरली सब कुछ एग्री नहीं कर सकते, कल को झगड़े होने स्टार्ट हो ही जाएंगे. ओके, सो देयरफॉर एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, हर एक चीज की क्या मटीरियल यूज होगा, फिर उसके बाद बिल्डिंग के अंदर क्या क्या स्विचेस यूज होंगे, फिर उसके बाद विंडोज कैसी होंगी, डिजाइंस कैसे होंगे, एवरीथिंग इज एग्रीड. ओके, इतने टाइम के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर उसे लेट हुई तो पेनल्टीज क्या होगा. ओके, एसेट्रा एसेट्रा एवरीथिंग. ओके, फिर कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस वगैरह कितना तो वो देना पड़ेगा, ऑब्वियसली दीज आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए. ओके, सो देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स आर एग्रीड एंड दे आर डॉक्यूमेंटेड इन
अ पेपर, दैट पेपर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट डीड. जैसे पार्टनरशिप डीड होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट डीड, कि दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या एग्री हुआ है. इन इंडिया इट इज नेसेसरी दैट अ कॉन्ट्रैक्ट डीड इज रजिस्टर्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज. ओके, मतलब तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट डीड बनाओ, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों एक बार पढ़ लो, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाओ. ओके, और उसका स्टैंपिंग करवा लो, ताकि कल को कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो दोनों के पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डीड है. हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत चीजें कॉन्ट्रैक्ट डीड के अंदर ये लोग लिखना भूल जाते हैं, तभी फिर झगड़ा करो. ओके, उसके लिए देर इज नो ऑप्शन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू बी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डीड एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, ताकि फ्यूचर के अंदर झगड़े ना हो. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टी हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डीड हो गया. ठीक है, दिस फिनिशेज ऑफ माई फर्स्ट पार्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी. द प्राइस एग्रीड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट डीड. ओके, अभी इट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर, ये चैप्टर आप लोग हमको अलग से क्यों करवाते हो? आपने हमको क्या बोला, वट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर? माई एम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज For every contract, okay? मेरी writing, सुनो. For every contract, I want to be knowing profit for each year. अगर suppose मैं contractor है और मैं 10 अलग अलग project कर रहा है, किधर मैं dam बना रहा है, किधर flyover बना रहा है, किधर building बना रहा है, okay? मेरे को हर एक कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक साल का प्रॉफिट चाहिए. दिस इज माय एम इन दिस एंटायर चैप्टर. ओके, सर प्रॉफिट क्यों चाहिए? आई वांट टू टेल माय शेयर होल्डर्स व्हाट वर्क आई एम डूइंग यार. ओके, इवन इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड यू आर योरसेल्फ अ शेयर होल्डर, और यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, ओके, देन ऑल्सो वी वुड लाइक टू बी नोइंग नो दैट व्हाट इज अ प्रॉफिट फॉर ईच ईयर. कोई बोलता है सर इट इज वेरी सिंपल, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. ठीक है, करने का ट्राई करते हैं. So this brings me to the basic part of this entire chapter. What happens if we do normal accounting for construction companies? Okay. Now normal accounting se pehle dhyan se bhi zara sunna. Normal accounting ke andar aapko do cheeze malum honi chahiye. Kya do cheeze? Sir, what is revised accounting standard 2? मैं उसका इंडियस वर्जन भी बोल सकता हूं फॉर दोज पीपल हु डोंट नो. धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इंडियस. ओके, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द IFRS. ओके, जो फॉरेन के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, आई एम मेंशनिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो शायद इंटर के बच्चे लोगों को मालूम हो. मैं इंडियस का नंबर वो नहीं बोल रहा हूं. There is something called as revised accounting standard 2. तुम लोग मेरे को बोल सकते हो revised accounting standard 2 stands for what? Valuation of inventories, correct? No, it stands for valuation of inventories. मैं तुमको शायद इसका reference तो cost sheet के अंदर भी दिया था. अच्छा, AS2 क्या बोलता है कि raw material and WIP stocks should always get valued at cost. ठीक है, ये कौन बोलता है? Revised accounting standard 2. Revised accounting standard 2 says all raw material and WIP stocks should always get valued at cost. For finished goods stock there is one option. Valued at cost or market price, whichever is lower. Although मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Same way, raw material stock is valued at cost, मेरे को उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरे को बस एक principle चाहिए from accounting standard 2 और revised accounting standard 2. WIP stocks are always valued at cost. मेरे को वो वाला principle चाहिए. ठीक है, और एक और चीज भी है, that is AS9. AS9 stands for, some people will be knowing, revenue recognition. Revenue recognition क्या होता है? कि हम लोग अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं. इंडियस के अंदर इट्स अ वेरी बिग थिंग. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाटएवर आई रिक्वायर राइट नाउ. ओके, नॉट द कंप्लीट स्टैंडर्ड, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट. लेकिन AS9 स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन. एक सेकेंड, AS2 स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो मेरे को ऐसे बोल देता है कि WIP स्टॉक शुड ऑलवेज 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 गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. ठीक है, ऐसा AS2 बोलता है. ठीक है, एंड देन देर इज AS9. आप लोग इसको रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी बोल सकते हो, आप लोग इसको AS2 भी बोल सकते हो. ठीक है, बट दैट्स ओके, वी आर नॉट गोइंग इन टू द AS पार्ट.
AS 9 gives you the principles of revenue recognition. ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन. अभी रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकग्निशन एज अ नेम विल सजेस्ट, भाई तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करने का. ठीक है, आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं कि रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होता है. रेवेन्यू का मतलब आप लोग सेल्स का एंट्री कब पास करते हो, दैट इज व्हाट एवर इज मेंट बाय द टर्म कि रेवेन्यू रिकग्नाइज करना. आप लोग सेल्स का एंट्री कब पास करते हो, सेल्स का एंट्री पास करोगे तो ही तो पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तुम लोग सेल्स का एंट्री मारोगे. तो सेल्स का एंट्री कभी मारते हो, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं. मेरे को मेरे घर के लिए कुछ एक डिजाइनर सोफा बनवाना था. ठीक है, डिजाइनर सोफा. तो मैं एक कंपनी के पास गया जो ऐसा डिजाइनर सोफा बनाती है. ठीक है, मैंने उस कंपनी को पूछा, भाई आई वॉन्ट टू बी गेटिंग अ सोफा डन, विल यू मेक फॉर मी. बोलते ऑफकोर्स सर. मैंने बोला ठीक है, मेरे को डिजाइन वगैरह दिखाओ. उन लोगों ने मेरे को 10-15 डिजाइन दिखाए. मेरे को एक डिजाइन अच्छा लगा, मैंने बोला ये मेरे को चाहिए. तो बोलते ठीक है सर. मैंने बोला इसका कॉस्ट कितना होगा? बोलते 2,00,000 रुपए. मैंने बोला तुम पागल है क्या, मेरे को जायदाद नहीं खरीदनी है, मेरे को सोफा बनवाना है. तो नेगोसिएशन वगैरह स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली ही एग्रीड एट 1,50,000. ओके, बोलता हम लोग आपको सोफा बनाकर दे देंगे. मैंने बोला ठीक है. मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? बोलते सर इट विल बी टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 45 डेज टू फिनिश ऑफ दिस एंटायर थिंग. ओके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वो कारपेंटर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, काम बहुत ज्यादा है, 45 डेज वो लग जाएगा. मैंने बोला ठीक है, मैं तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, 45 डेज के बाद आकर आई विल टेक द डिलीवरी और यू ऑल कैन सेंड इट आफ्टर 45 डेज. बोलते ठीक है सर, वी ऑल विल सेंड इट. ओके, मैंने बोला ठीक है मैं जाऊं. बोलते सर कुछ खा पी के जाओ. तो मैंने बोला ठीक है. तो कुछ ना कुछ वो खाना पीना दिया. मैंने उसके बाद बोला जाऊं. बोलता नहीं सर, कुछ ना कुछ एडवांस तो देकर आप जाओगे. हम लोग 1,50,000 रुपए का सोफा आपके लिए बनाने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ हमको एडवांस वगैरह तो दो. मैंने बोला कितना एडवांस चाहिए? बोलता सर हमारा एक पॉलिसी है दैट 30% यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ बुकिंग. तो 30% कम्स टू कितना? 45,000. ठीक है, ये अमाउंट आप लोगों को बुकिंग पर देना है. मैंने बोला चलो ठीक है 30% अमाउंट. ठीक है, बोलते 60% अमाउंट यू हैव टू पे विद इन 40 डेज. ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 60% तो कितना आ जाता है बेटा? 90,000. ठीक, और बोलते बाकी ये जो 10% है ना सर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आर पर्सन विल कलेक्ट फ्रॉम यू. मैंने बोला चलो ठीक है. तो 10% मतलब कितना हो जाएगा? 15,000. तो मैंने उससे लिखित के अंदर ये सब कुछ वो ले लिया दैट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी पेइंग द अमाउंट फॉर सोफा. ओके, मैंने उस आदमी को ये वाला अमाउंट दिया 45,000. ओके, अभी मेरा नाम अनुज, वो जो सोफा बनाने वाली कंपनी है, ओके, मैं उसको बोल देता हूं एक्स. ठीक है, तो मैंने उस बंदे को 45,000 रुपीज दिया. वो बंदा एंट्री क्या पास करेगा? ही विल पास द एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू अनुज. ठीक, सो दिस इज 45,000. ठीक है, आज वो बंदा ये वाली एंट्री पास करेगा. मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, will he pass the entry for sales today? Will Mr. X, I'm passing the entries in the books of Mr. X, wo wala banda jo mere liye sofa bana raha hai, will he pass the entry for sales today? No, he will pass this particular entry. This entry is the entry for advance received. Revenue recognition ke principles kya bolte hain, when to recognize revenue. Kya 1,50,000 rupees ka sales ho gaya? Nahi hua, kyunki 1,50,000 rupees ke sales ke liye सेल्स तो होना जरूरी है. बोलते सर सेल्स हुआ ना, सेल्स होने के लिए गुड्स तो जरूरी है. अभी तक गुड्स है क्या तेरे पास? नो. सो योर रेवेन्यू रिकग्निशन का प्रिंसिपल सर, यू रिकग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन यू हैव द गुड्स फॉर सेल. बॉस वी डोंट हैव द गुड्स फॉर सेल ओनली. ओके, मैं उसको क्या बेच रहा हूं? कुछ नहीं बेच रहा हूं. तो ये जो 45,000 अपने को मिला है ना, दिस वी आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग एज एडवांस. वी बोले तो मिस्टर एक्स, आई एम ट्राइंग टू मेक बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स. एक्स के लिए तो पैसा अंदर आया और अनुज उस बंदे का क्रेडिटर है क्योंकि उसने उस बंदे को क्या देके रखा हुआ है? एडवांस. इज दैट ओके? ठीक है, ये वाला काम हो गया. ठीक है,
एक और चीज ध्यान से अभी जरा सुनना, ये वाला काम हो गया ठीक है। उसके बाद टाइम बीतता गया, 40 दिन बीत गए, मेरे को सोफा वो चाहिए था, मैं उस बंदे के पास गया, जस्ट आई वॉन्टेड टू नो कि बंदे ने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है ठीक है। उस बंदे ने अच्छा काम कंप्लीट करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा काम नहीं बचा हुआ था। मैं उसके पास गया, मैं उसको बोला यार वो सोफा दिखाओ, 5 दिन के बाद वो डिलीवरी है तो मेरे को वो देखना है कि कितना बना है। उस बंदे ने दिखाया, वर्क वॉज डन इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, थोड़ा सा चीजें इधर उधर था, आई टोल्ड बोलता ठीक है सर वेन वी आर डूइंग द डिलीवरी तो बिफोर दैट वी विल डू इट करेक्टली, ऑब्वियसली टाइम फॉर मी टू बी गिविंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मैं उस बंदे को सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, क्या वो बंदा सेल्स का एंट्री पास करेगा? नहीं, क्योंकि सेल्स का एंट्री पास करने के लिए गुड्स तो होना चाहिए, वो बंदे के पास तो गुड्स ही नहीं है। तो फिर आज वो बंदा फिर से एडवांस का एंट्री पास करेगा ठीक है, एडवांस का एंट्री। ऑब्वियसली एडवांस का एंट्री क्या हो जाएगा, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नथिंग बट 90,000 ओके। और एक्स की बुक्स के अंदर अनुज विल ऑलवेज बी अ क्रेडिटर, एक्स की बुक्स के अंदर आई अनुज विल ऑलवेज बी अ क्रेडिटर। मैंने उस बंदे को एडवांस दिया हुआ है, वो बंदा सेल्स का एंट्री नहीं पास करेगा ठीक है। बस 45 डेज बीत गए, मैंने बंदे को फोन किया कभी आ रहा है, बोलता सर आपके घर के नीचे हूं ऊपर ही ला रहा हूं सोफा। मैंने बोला चलो ठीक है, वो बंदा सोफा लेकर आ रहा है, उस बंदे ने सोफा डिलीवर किया। जैसे ही उस बंदे ने सोफा डिलीवर किया मैंने देखा सब कुछ वो ठीक वगैरह था, आई टुक द डिलीवरी। जैसे ही डिलीवरी मैंने एक्सेप्ट किया, ओनरशिप गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट गाय टू मी। आज वो बंदा फर्स्ट टाइम सेल्स का एंट्री पास करेगा, एंड ऑब्वियसली सेल्स का एंट्री क्या पास करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। उस बंदे ने गुड्स किसको बेचा बेटा, अनुज को, अनुज अकाउंट डेबिट ओके टू इन दिस केस सेल्स, कितने रुपीस का, 1,50,000 ठीक है। वो बंदे ने आज किस चीज का एंट्री पास कर दिया बेटा, सेल्स का ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग, तुम लोग अगर सोच सकते हो तो सोचो, अनुज अकाउंट के अंदर 15,000 विल बी द बैलेंसिंग फिगर। पहले एडवांस दिया था 45 का, फिर एडवांस दिया 90 का, बट नाउ ही हैज सोल्ड मी गुड्स ऑफ 1,50,000 ओके। अब मेरे को उस बंदे को 15,000 रुपया देना बाकी है ठीक है। वो बंदा बोलता सर मैंने डिलीवरी कर दी सब कुछ वो बराबर है, आप बाकी पैसा दो। मैंने उस बंदे को बाकी पैसा दे दिया। आज मिस्टर एक्स विल पास द एंट्री कैशबैक अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। You all will understand, everything will be getting closed with this entry over here. Everything will get closed with the help of this particular entry. This is the entry for sales. I hope I am very clear. This is the entry for sales. Bas, with this, everything comes to an end. Okay. Ye wala jo hai, this is the entry for balance payment. Mere ko ye char entry se, basically ek hi cheez tumko batana tha, ki revenue kab recognize hota hai. रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू द अदर पार्टी। गुड्स डिलीवर करने के लिए गुड्स होना तो चाहिए, यहां पर तो अपने पास गुड्स था ही नहीं, यहां पर तो अपने पास था ही नहीं ओके। तो तब तक जो भी पैसा मिस्टर एक्स को मिल रहा था वो एडवांस था ठीक है। जब वो बंदे का सोफा बन गया एंड वी आर डिलीवरिंग इट, दैट टाइम इट्स अ टाइम टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओके। देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो बट दिस इज जस्ट अ फाइनल थिंग दैट आई वॉन्टेड यू ऑल टू बी नोइंग एज सच ओके। तो जब भी आप लाइफ के अंदर आज तक कोई भी चैप्टर किया, कोई भी चैप्टर अकाउंट्स के अंदर, तुम लोग हमेशा AS2 और AS9 के प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो किया। यू कैन नॉट ब्रेक दीज प्रिंसिपल्स ओके। WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन थिंग्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट ठीक है। अभी मैं तुमको क्या बोलने वाला हूं ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने ये वाला नॉर्मल अकाउंटिंग जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से हर एक चैप्टर के लिए किया, ऐसे बिजनेस को अप्लाई करोगे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस का है, तो क्या पोपट हो जाएगा, तुमको वो वाला चीज मालूम होना चाहिए, हाउ एवरीथिंग विल गेट शैटर्ड ओके। तुमको समझ में आएगा उसके बाद कुछ अजीब ही होएगा अगर आप लोगों ने ये वाले दो प्रिंसिपल्स फॉलो किए तो ठीक है। तो अब मैं मेरा एक एग्जाम्पल यहां पर फ्रेम करके and I'm trying to do normal accounting for construction business and I'm trying to tell you if you do normal accounting what stupidity will happen for these companies. Once you learn that what stupidity will happen, I'll try to teach you a special procedure
फॉर कंपनीज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड दैट इज वेयर आवर चैप्टर विल बी स्टार्टिंग. लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए स्पेशल अकाउंटिंग प्रोसीजर क्यों आता है. लेट्स स्टार्ट. तो मेरा एक एग्जाम्पल है इधर, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर स्क्रीन पे वो रखा हुआ है, वो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं. ठीक है, टाइटल, इफ नॉर्मल अकाउंटिंग इज डन फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज. इफ नॉर्मल अकाउंटिंग इज डन फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज. ठीक है, स्टार्ट करें. तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक कॉन्ट्रैक्टी था. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास आया और उसको बोला, मेरे को 10 माले की बिल्डिंग बनवाने का है तुझसे. बोलता ठीक है. दोनों के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, 10 करोड़ पर आकर रुक गया. ओके, दोनों ने एग्री किया कि भाई 10 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया विल बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, वर्क हैड टू बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट डीड के अंदर लिखा जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ईयर 5.5 फ्लोर बनेंगे, सेकेंड ईयर जो है 3.5 फ्लोर्स बनेंगे, और लास्ट ईयर जो है इन दिस पर्टिकुलर केस 1 फ्लोर बनेगा. ठीक है, तो ये तीनों का जरा टोटल एक बार वो देखना, फर्स्ट ईयर कितना 5.5 माला, सेकेंड ईयर कितना 3.5 माला, टोटल कितना हो गया 9 फ्लोर्स, प्लस लास्ट ईयर के अंदर कितना फ्लोर्स 1 फ्लोर. ठीक है, 1 फ्लोर. दिस इज हाउ वर्क विल बी डन ओवर द 3 ईयर्स. ठीक है, एक बार फिर से, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, 10 माले की बिल्डिंग बनाने का था, प्राइस जो एग्री हुआ 10 करोड़, 10 फ्लोर का कंप्लीशन कैसे होगा विद इन 3 ईयर्स, एवरीथिंग विल बी डन, बट दे एग्रीड एट फर्स्ट ईयर 5.5 माला, सेकेंड ईयर 3.5 माला और लास्ट ईयर 1 फ्लोर. ओके, इल बी ऑल डन. दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डीड वगैरह साइन हुआ, रजिस्टर हुआ, काम स्टार्ट हो गया. ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, मेरे को हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मैंने तुमको एक ही कॉन्ट्रैक्ट का डेटा दिया है, हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट एवरी ईयर. ठीक है, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट एवरी ईयर. ठीक है, उससे पहले एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एक बिल्डिंग का है, एक एक माले का नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बिल्डिंग का है, एक एक माले का नहीं है. ठीक है, बस वो वाला चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी, मटेरियल वगैरह खरीदा, वो ईंटे सीमेंट वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, 2 करोड़ रुपए का खर्चा, वर्कर्स वगैरह को पे किया 1 करोड़. दूसरा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कुड बी मेनी, और कुछ क्रेन वगैरह वो रेंट के ऊपर लिया, जो लोग हैं जो सुपरवाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, वो सब कुछ, वो सारा का सारा जो खर्चा, वर्कर लोगों को कुछ खाने पीने का वगैरह, जो भी बाकी खर्चा है अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ गया, 1-2 करोड़, 1-1 करोड़, 1-0.5 करोड़, इतना खर्चा हुआ इन द फर्स्ट ईयर. और कितने फ्लोर्स बन गए बेटा, 5.5 फ्लोर्स. फर्स्ट ईयर जैसे खत्म हुआ, ऑब्वियसली ये वाला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको अपना प्रॉफिट भी निकालना होगा. ओके, अभी उसको अपना प्रॉफिट निकालने के लिए पीएनएल अकाउंट वो बनाना पड़ेगा. ठीक है, मैं एग्जैक्टली वही वाला काम कर रहा हूं. सो देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस मैं इधर निकाल लूंगा. ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर, आई एम राइटिंग ईयर 1, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 1. सो डेबिट ऑल कॉस्ट. ठीक है, तो इस साल मटीरियल का खर्चा, इस साल लेबर का खर्चा, और इस साल तुम्हारे अदर एक्सपेंसेस का खर्चा. ठीक है, इस साल अदर एक्सपेंसेस का खर्चा. तो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल फर्स्ट ईयर के अंदर मटेरियल का खर्चा 2 करोड़, सेकेंड ईयर के अंदर इट इज सॉरी फर्स्ट ईयर के अंदर लेबर का खर्चा 1 करोड़ और बाकी ओवरहेड्स का खर्चा 0.5. ठीक है, तो मैं तीनों चलो ऐड करके ही लिख देता हूं, 2 करोड़ + 1 करोड़ + 0.5, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 करोड़. ठीक है, तो डेबिट साइड पे आई एम राइटिंग 3.5 करोड़. ठीक है, 3.5 करोड़. अब मेरे को एक चीज जरा बोलो, 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया, क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई? नहीं सर, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई. तो क्या हुआ सर, 5.5 माले बने ना अभी तक,
मेरे को जरा बोलो, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, 5.5 माले बने, कैन कॉन्ट्रैक्टर वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. कैन कॉन्ट्रैक्टर पास द एंट्री फॉर सेल्स? नो. वाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्डिंग का था, अभी तक बिल्डिंग तो बनी ही नहीं. तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर, दीज आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दी, एक बार लिख देता हूं, दीज आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिस इज स्टिल हिज WIP स्टॉक, कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिस इज स्टिल हिज WIP स्टॉक, एंड WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. उसके पास एक बिल्डिंग है, 5.5 माले बने हुए हैं, जो उसी ने बनाया है, वो उसी का WIP स्टॉक है. He will pass entry for sales. No, it is still his WIP stock. Beta, sales ka entry to tab pass hota hai when goods are in a deliverable state. Abhi tak building to bani hi nahi. Abhi goods matlab building. Okay. So therefore, this is still his closing stock. Closing stock comes on the credit side. Okay. By WIP. Okay. Now, accounting standard 2 tells me this. Abhi tak maine AS9 apply kiya ki sales ka entry pass nahi ho sakta. Ab main AS2 apply karta hu. Okay. AS2 क्या बोलता है? WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. तो 5.5 माला विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. बोलते सर कॉस्ट किधर से निकाले? भाई डेबिट साइड पे देख ले, 5.5 माले के ऊपर आज तक कितना खर्चा किया हुआ है? सर 3.5 करोड़, आपने तो लिखा. बस अब ना फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं. लेट्स राइट ऑन प्रॉफिट. परफेक्ट. मेरे को जरा बोलो प्रॉफिट यहां पर कितना आएगा? सर आपने लिख ही दिया, अंडा ही आएगा सर, इट इज 0. क्यों? डेबिट साइड पर भी कॉस्ट है, क्रेडिट साइड पर भी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? सो प्रॉफिट विल बी कितना? 0. प्रॉफिट विल बी कितना? 0. बस अब जरा सोचो, फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट कितना आ गया? 0. ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया रहेगा यार कि प्रॉफिट 0 आ गया. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी 0. ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का ट्राई मारते हैं. ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑब्वियसली ऑफ ईयर 2. मेरे को जरा बोलो ईयर 2 के अंदर बेटा तूने कितने फ्लोर्स कंप्लीट किए थे? सर मैंने ईयर 2 के अंदर 3.5 माले कंप्लीट किए थे सर. सो देयरफॉर दिस इज 3.5 फ्लोर्स. ठीक है, दिस इज 3.5 फ्लोर्स. तो इन दिस केस यहां पर फर्स्ट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर, कंटिन्यू करो आगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर becomes opening stock of the next year. तो यहां पे लिख लेता हूं 2 WIP. कितने का बेटा? 3.5 CR. ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया. अभी उसके बाद इस साल के खर्चे भी तो लिखो. 2 material, 2 labor and 2 other expenses. ठीक है, इस साल का खर्चा कितना हुआ? मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से अभी ईयर 2 के खर्चे देखो, 1 करोड़ का मटीरियल, 1 करोड़ का लेबर, 0.25 का ये, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 0.25, तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा बेटा? 2.25. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2.25 करोड़. ठीक है, 2.25 करोड़, दिस विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस योर एक्सपेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, मेरे को जरा बोलो 2.25 करोड़ का खर्चा किया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई क्या? नहीं सर, अभी तक तो 9 माले कंप्लीट हुए. तो इट इज स्टिल योर WIP स्टॉक, योर मतलब कॉन्ट्रैक्टर का WIP स्टॉक हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. तो करो कॉस्ट के ऊपर वैल्यू. फिर 3.5 करोड़ प्लस 2.25 करोड़ कितना आ जाएगा बेटा? 5.75 करोड़. ठीक है, इस साल का भी प्रॉफिट निकालते हैं, सॉलिड प्रॉफिट आएगा सर. सर 0 आ रहा है. ओके, 0 ही आएगा ना बेटा. डेबिट साइड पर भी कॉस्ट लिखा, क्रेडिट साइड पर भी कॉस्ट लिखा. WIP स्टॉक बोले तो 9 माले. ओके, 9 माले के ऊपर अभी तक तूने कितना खर्चा किया है? सर 6.25 करोड़ का. तो उतना ही आ जाएगा इधर. ओके, 5.75 करोड़. ठीक, ये वाला भी काम हो गया. अभी उसके बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लास्ट ईयर बेटा, ईयर 3, अभी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, इस साल के अंदर कितना फ्लोर्स बनेगा? 1 फ्लोर बनेगा. ठीक है, तो इस साल का अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक. तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 WIP.
टू डब्ल्यू आई पी इन दिस पर्टिकुलर केस कितना बेटा 5.75 crores, ठीक है। फिर उसके बाद इस साल के भी तो खर्चे लिखो, इस साल का तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का खर्चा, इस साल का तुम्हारा लेबर का खर्चा और इस साल का तुम्हारा अदर्स का खर्चा, ठीक है। ये सब इधर मैं टोटल मार दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी ये सब जो है जो मैं इधर टोटल मार दूंगा, बराबर से सुनना, बराबर से सुनना। इस साल का खर्चा 0.5 प्लस 0.25, बोले तो 1.25 crores का खर्चा, ओके। सो देयरफॉर इस साल का जो खर्चा है दिस इज 1.25 crores, ठीक है। जैसे ही तुमने 1.25 करोड़ का खर्चा किया, ठीक है, सब लोग मेरे को जरा बोलो अभी सोच समझ के, क्या तुम्हारी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई? यस सर, हो गई ना आज, ओके। 9 माले पहले, 1 माले का खर्चा और कर लिया तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, परफेक्ट। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई उसके लिए ऑर्डर तो अपने पास शुरू में ही था, ठीक है। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कॉन्ट्रैक्टर विल पास द एंट्री फॉर सेल्स, तो सेल्स का एंट्री क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। आई एम सिंपली राइटिंग बाय सेल्स ओवर हियर, ठीक है, बाद में वी ऑल विल अंडरस्टैंड द अदर एंट्रीज। लेकिन मेरे को जरा बोलो, सेल्स का जो अमाउंट होएगा कितने का होएगा? सेल्स का जो अमाउंट होएगा कितने का होएगा? इट विल बी 10 crores, ठीक है। अब देखते हैं इस साल कुछ प्रॉफिट आता है कि नहीं, ओके। प्रॉफिट आएगा ना बेटा, कितने का? 3 crores का प्रॉफिट आया। अब ये तीन चीजें बराबर से जरा देखना, 3 साल का अकाउंट तुम्हारे पास है, 3 साल का अकाउंट तुम्हारे पास है, तुमको नहीं लगता कुछ गलत हुआ? सर क्या गलत हुआ? बहुत गलत हो गया। क्या गलत हो गया? फर्स्ट ईयर तुमने सबसे ज्यादा काम किया था, फर्स्ट ईयर तुमने सबसे ज्यादा काम किया था, लेकिन प्रॉफिट कितना आया? 0। सेकेंड ईयर तुम लोगों ने चलो 3.5 माले बनाए, प्रॉफिट कितना आया? 0। लास्ट ईयर तुम लोगों ने सिर्फ 1 माला बनाया, प्रॉफिट कितना आ गया? 3 crores। कुछ ना कुछ गलत है ना यार, तुमको समझ में आएगा। जो भी ये 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है ना, एक्चुअली इट इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, इट इज द प्रॉफिट ऑफ, बोलो अपने मन के अंदर, इट इज प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करो, मतलब AS2 और AS9, तो सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ लास्ट ईयर के अंदर ही आएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम लोगों ने ऐसा रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दिया ना, शेयर होल्डर्स क्या सोचेगा? तुम लोग बहुत थर्ड क्लास कंपनी है, फर्स्ट ईयर 0 profit, सेकेंड ईयर तो 0 profit, लास्ट ईयर तो सुपर डुपर प्रॉफिट। और अब जरा सोचो, मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो सिर्फ 3 साल चलता है, जो मनाली टू ले वाला, जो रोहतान पास के थ्रू जो वो टनल जा रहा है उसको बनने के लिए 11 साल लग गए उसको बनने के लिए। मतलब अगर वो कंपनी ऐसा अकाउंटिंग करेगा ना, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है कौन से साल के अंदर आएगा? 11वें साल के अंदर आएगा। बैंड्रावली सीलिंग को बनने के लिए कभी आराम से सर्च करना कि कितना टाइम लगा था। अगर ऐसा अकाउंटिंग फॉलो करोगे, सारा का सारा प्रॉफिट लास्ट ईयर के अंदर ही आएगा। That is something that is not correct. Okay, that's what. So, this normal accounting does not work. This normal accounting does not work for such kind of companies. Okay, इसके लिए Institute of Chartered Accountants of India ने क्या किया था? उन लोगों ने construction companies के लिए एक special accounting standard launch किया. That was called as Accounting Standard 7, which में revise भी हुआ था. This accounting standard is a special accounting for the companies which are there in construction business. और कभी AS7 ध्यान से पढ़ना तो तुमको समझ में भी आ जाएगा. Institute ने बहुत clearly लिखा हुआ है, wherever this accounting standard will apply, AS2 and AS9 will cease to apply. ऑब्वियसली, क्योंकि अगर AS2 और AS9 अप्लाई करोगे, सारा का सारा प्रॉफिट कौन से साल के अंदर आ जाएगा? लास्ट ईयर के अंदर। हेंस दैट कैन नॉट बी डन। वी वॉन्ट टू बी स्प्रेडिंग दिस प्रॉफिट। अपना एम इस चैप्टर के अंदर क्या है एक बार बोल देता हूं, समझ में तो तुम लोग को आ ही जाएगा। ये जो 3 crore rupees का प्रॉफिट है ना, कुछ करो लेकिन उसके अंदर से थोड़ा सा प्रॉफिट इधर डालो, थोड़ा सा प्रॉफिट इधर डालो, थोड़ा सा प्रॉफिट वो इधर ही रहने दो, बेस्ड अपॉन द वर्क दैट यू डू इन एवरी ईयर। सबको समझ में आता है? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेक्निकली तो इसी साल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इस साल हुआ है।
लेकिन उसके लिए अपने को AS 2 और AS 9 को तोड़ना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट बोलता है तोड़ दो क्योंकि वी हैव स्पेशल अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर AS सॉरी फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड दैट इज AS 7। माय लास्ट थिंग फॉर दिस पार्ट, याद रखना कि ना मैं तुम लोग को AS 7 नहीं सिखा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू ऑल AS 7। AS 7 आप लोग अकाउंट्स के अंदर सीख जाओगे। What I am teaching you all is the costing part of contract costing. ठीक है, I am trying to teach you all costing part of contract costing. ठीक है, costing के अंदर क्या है? AS 7 is almost 80% same as this. Okay, थोड़ा बहुत here and there, few other things are there, but मैं वो चीजों के बारे में discussion नहीं करने वाला हूँ. I am going to be remaining within the boundaries of my subject. तो जो आपको costing की syllabus के अंदर बोला गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे बनाना, मैं तुम लोग को वैसा ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स करके दूंगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट अस लर्न स्पेशल अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग ऐसा है जो आप लोगों ने कभी पहले नहीं किया हुआ, तो दिस इज स्पेशल अकाउंटिंग। इट विल नॉट टैली विद योर अकाउंटिंग फंडास एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि आईसीए अपने को अलाउ करता है। ओके, तो दिस इज स्पेशल अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। लेट्स स्टार्ट अवे विद दिस पार्ट। मैंने एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल ही रखा हुआ है जो पहले था। ओके, बस यहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई ट्राई टू गिव यू। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी ना मेरा काम क्या है, तुमको ये एग्जांपल करा के ना, मैं मेरे को तुम लोगों को सिर्फ इतना ही कराना है हाउ टू मेक अकाउंट ऑफ ईयर वन। ठीक है, पिछली बार मैंने ईयर टू ईयर थ्री का अकाउंट भी बनाया था, लेकिन वो सब कुछ आगे जाके इस चैप्टर के अंदर, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, पढ़िए। You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final, by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com. For any help, call 808-032-4444. Contract price 10 करोड़, सेम जो पहले था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 10 फ्लोर्स। ईयर वन के अंदर 5.5 माले कंप्लीट करने थे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर इतना इतना और इतना खर्चा हुआ। ठीक है, मेरे को बोला जाता है कि ना ईयर वन का अकाउंट बना दो। मैं बोलता हूं चलो ठीक है, ईयर वन का अकाउंट बनाता हूं। ठीक है, तो वही काम कर रहा हूं जो पिछली बार किया। सो देयरफॉर यहां पे आई एम राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दैट विल शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली फॉर ईयर वन। ठीक है, तो अभी डेबिट साइड पे मैं यहां पे कॉस्ट लिख देता हूं। तो मटेरियल का खर्चा 2 करोड़, लेबर का खर्चा 1 करोड़, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का खर्चा आई एम सिंपली राइटिंग अदर्स। ठीक है, 0.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ रुपया वो लिख दिया, पिछली बार भी वही लिखा था। ओके, बाय WIP, अभी तक 5.5 माले ही बने ना। ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये स्पेशल अकाउंटिंग अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो वही है जो पहले भी किया, अब स्पेशल अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। और वो वाला अकाउंटिंग अभी कैसे स्टार्ट हो रहा है, जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है ना, जब इस साल खत्म होने वाला होगा वो एक बंदे के पास जाएगा। दैट बंदा इज कॉल्ड एज आर्किटेक्ट और सर्वेयर और वैल्यूअर। ठीक है, आर्किटेक्ट, सर्वेयर और वैल्यूअर, इन तीनों में से कुछ भी। ठीक है, और उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा एक काम कर, साइट पर आ। साइट मतलब वो वाली जगह जिधर बिल्डिंग बन रही है। तुमको समझ में आएगा, ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है कि बिल्डिंग अपनी फैक्ट्री के अंदर वो बनाऊंगा फिर उसके बाद उसको किधर जाके वो डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। बिल्डिंग का हमेशा एक साइट होगा जहां पर बिल्डिंग बन रही है, राइट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के पास गया या सर्वेयर या वैल्यूअर और उसको बोला इधर आ, साइट पर चलते हैं। ठीक है, और साइट पर उसको लेकर गया और उसको बोला देख ये बिल्डिंग देख। आर्किटेक्ट ने पूछा तेरे को मुझसे क्या चाहिए, बोलता देख 5.5 फ्लोर मैंने बनाए उसका इंस्पेक्शन कर और मेरे को एक सर्टिफिकेट दे कि 5.5 माले बराबर से बन गए। ये वाला सर्टिफिकेट जाकर मैं कॉन्ट्रैक्टी को दूंगा। तो आर्किटेक्ट ने बोला ठीक है, ये मेरा काम है, ये वाला काम मैं करता हूं। वो बंदे ने बिल्डिंग वगैरह का इंस्पेक्शन किया, सॉलिड इंस्पेक्शन किया और फिर उसके बाद आया और उसको बोला देख तूने 5.5 माले बनाए वो अलग बात है, लेकिन ना मैं सर्टिफिकेट 5 माले का ही देगा।
आधा माला जो तूने बनाया है अभी तक पूरा तो नहीं हुआ, मैं कैसे ये वाला सर्टिफिकेट दे दूं कि भाई 5.5 माले बराबर से कंप्लीट हो गए, क्योंकि आधा कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि वो आधा है। ओके तो आर्किटेक्ट ने बोला आई विल गिव यू अ सर्टिफिकेट फॉर 5 फ्लोर्स, आई विल नॉट गिव यू द सर्टिफिकेट फॉर दैट हाफ फ्लोर। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला चल ठीक है अभी जो देने का है तू दे दे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने आर्किटेक्ट से एक सर्टिफिकेट लिया, उस सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा होता है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द कॉन्ट्रैक्टर, आगे उसका नाम लिखा होगा, हैज कंप्लीटेड 5 out of the 10 floors एज पर माई सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये वाला सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर के पास आ गया, ये सर्टिफिकेट का वो दो काम करेगा। फर्स्ट काम, ये वाला जो बंदा है कॉन्ट्रैक्टर अपनी अकाउंट्स टीम के पास जाएगा और उसको ये वाला सर्टिफिकेट देगा। जैसे अकाउंटेंट को ये वाला सर्टिफिकेट वो मिलेगा, अकाउंटेंट क्या सोचेगा, 10 फ्लोर के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना एग्री हुआ था, 10 करोड़, उसके ने से 5 करोड़ मतलब 50% काम का सर्टिफिकेट अपने पास आ चुका है। 5 floors out of 10 floors आर सर्टिफाइड, जितने फ्लोर्स का सर्टिफिकेट मेरे पास होएगा दैट इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। ओके तो जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, यहां पर लिखेगा वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड का अभी उसको अमाउंट भी लिखना है, और वो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कैसे निकालेगा, इससे सिंपल कुछ नहीं है, 10 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 करोड़ है, तो 5 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 करोड़, ठीक है। बस दिस इज वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये 5 करोड़ कैसे आया, आई एम राइटिंग ओवर हियर, दैट इज 10 crores into 5 floors by 10 floors, ओके दिस इज हाउ दिस अमाउंट हैड कम। तो वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और एक चीज तुम लोग को समझ में आनी चाहिए, 10 करोड़ इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब इट इज सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी तो होएगा, 5 crores इज पार्ट ऑफ दैट ना यार, तो 5 करोड़ के अंदर भी तो प्रॉफिट होएगा ना यार किसी का, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 crores इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस। तो बोलते सर खत्म हो गया ना सब कुछ, नहीं देखो कुछ ना कुछ गलत किया, डेबिट साइड पे तूने कॉस्ट लिखा कितने फ्लोर्स का, 5.5, लेकिन क्रेडिट साइड पे तूने वर्क सर्टिफाइड लिखा कितने फ्लोर्स का, 5 फ्लोर, दिस इज कॉस्ट ऑफ 5.5 फ्लोर, दिस इज इनकम ऑफ 5 फ्लोर, दे आर नॉट बैलेंस, यू मेक इट बैलेंस। बाकी आधा फ्लोर क्या था सर, बाकी आधा फ्लोर वो वाला चीज है जो सर्टिफाई नहीं हुआ, जो सर्टिफाई क्या नहीं हुआ, तो दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। लेकिन अभी एक बिगेस्ट चीज, वर्क सर्टिफाइड के अंदर, वर्क सर्टिफाइड के अंदर, वर्क सर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट है क्योंकि उसका अपने पास सर्टिफिकेट है बॉस कि 5 फ्लोर कंप्लीट हो गए, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड के लिए अपने पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है कि आधा फ्लोर बराबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, दिस वर्क अनसर्टिफाइड यू विल वैल्यू ऑन कॉस्ट। तो बोलते सर वैल्यू ऑन कॉस्ट मतलब आधे फ्लोर का तू कॉस्ट निकाल ले, अगर क्वेश्चन किया ना आधे फ्लोर का कॉस्ट तेरे को अलग से दे दिया है तो बस इधर लिख लेना, अगर कभी तेरे को आधे फ्लोर का कॉस्ट नहीं दिया देन द लास्ट थिंग आप लोग क्या करो, डेबिट साइड पे देखो, डेबिट साइड पे तूने कितने करोड़ का कॉस्ट लिखा हुआ है, 3.5 crores, बट दिस इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना फ्लोर्स बेटा, 5.5 floors, इस 5.5 floors के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड कितने फ्लोर्स का है, 0.5 floors, ठीक है। बस माई जॉब इज डन, अपना कैलसी लेने का, 0.5 into 3.5 divided by 5.5, तो ये आ जाएगा 0.32 के आसपास, ठीक है। बस माई जॉब इज डन, तुमको डिफरेंस पता चला होगा, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर आप लोगों को वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है तो ले लेना डायरेक्टली, अगर नहीं दिया हुआ तुम लोग ऐसे प्रोपोर्शनल कॉस्ट फिर निकाल लेना। देखो जब मैं कॉस्ट ऐसे निकालता हूं ना, मतलब आई एम अज्यूमिंग हर फ्लोर के लिए खर्चा सेम हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साढ़े तीन माले का कॉस्ट, सॉरी मैं बोल रहा हूं साढ़े पांच माले का कॉस्ट 3.5 करोड़ है, तो आधे माले का कॉस्ट कितना, ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर फ्लोर के लिए खर्चा सेम होता है। ये वाला अजम्पशन तुमको मारना पड़ेगा अगर आपको वर्क अनसर्टिफाइड अलग से नहीं दिया हुआ। बस माई जॉब इज ऑल टूगेदर फिनिश्ड। अभी इन दिस पर्टिकुलर केस, अब देखो डेबिट साइड पे 5.5 माले का कॉस्ट, क्रेडिट साइड पे आधे माले का कॉस्ट और 5 माले का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी तुमको समझ में आएगा इधर प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। बस दिस प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो 5.32 करोड़ ऑन द क्रेडिट साइड माइनस 3.5 करोड़ ऑन द डेबिट साइड 1.82 विल बी द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को इंस्टीट्यूट एक टाइम पर एक जमाने में नोशनल प्रॉफिट बोल देता था, एक्चुअली वो वाला वर्ड अभी नहीं होना चाहिए लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन वो लोग कंटिन्यू कर रहा है। दिस प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन टुडेज टर्म्स नोशनल का मतलब होता है रफ। तो पहले के टाइम्स के अंदर अराउंड 2018 से पहले के अंदर वो लोग क्या करते थे, 1.82 नोशनल प्रॉफिट होता था, इसके अंदर से कुछ पार्ट कॉस्टिंग पीएनएल को चला जाता था और कुछ जो है हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल को ट्रांसफर नहीं करते थे। लेकिन जब ही न्यू सीए इंटर का कोर्स आया वो लोग क्या बोलता है, सारा का सारा अमाउंट कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर लेके जाओ। तो फिर एक्चुअली इंस्टीट्यूट को ना नोशनल वर्ड निकाल देना चाहिए था, वो लोग भूल गए, उनके मॉड्यूल्स के अंदर है, इसलिए आई माइट यूज दिस पर्टिकुलर टर्म, वरना दिस नोशनल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर ओनली। ठीक है, बस with this my entire explanation comes to an end. This is special accounting which we are only going to be doing for construction business. Okay, this is one thing that you all should be knowing. So debit side pe kharche likh, credit side pe work certified, work uncertified likh. What is work certified? It is that part of work done, it is that part of work done which is certified. 5.5 माले के अंदर से कितने माले सर्टिफाई हो गए थे, 5 फ्लोर्स, उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है आप लोग इधर लिख दो, और जो अभी तक काम हुआ लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ आधा माला, ओके, दैट विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। और लास्टली तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है और तो तुमको इतना तो मालूम होगा 1.82 का जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये प्रॉफिट टेक्निकली 5 करोड़ के अंदर ही है ना यार, क्योंकि दिस फिगर इन एनी केस इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली नो यार, ओके। तो ये वाला प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड पे मैंने 5 फ्लोर्स का सेलिंग प्राइस लिखा। ठीक है, बस दिस इज वॉट एवर इज स्पेशल अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके अंदर थोड़ी सी टर्म्स जो है वो बाकी है, दोस थिंग्स एंड रीकैप ऑफ दिस एंटायर थिंग आई एम गोना बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो बाकी टर्म्स हैं, ओके, हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो स्टडी वो करेंगे। आज हम लोग ने क्या सीखा, दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इन सर्विस सेक्टर। सेकेंड, नॉर्मल अकाउंटिंग अगर हम लोगों ने किया सारा का सारा प्रॉफिट लास्ट ईयर के अंदर आ जाएगा, दैट विल बिकम स्टुपिडिटी, ऐसा नहीं कर सकते तो मत करो फिर। तो फिर एक स्पेशल अकाउंटिंग करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और यहां पर इट इज एज सिंपल एज दिस कि इन दिस केस हम लोग डेबिट साइड पे खर्चे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक 10 माले तो नहीं बने, उसका 2 पार्ट आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दैट्स इट, ओके। वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, दैट्स इट। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ ऑल द थिंग्स, ओके। प्रॉफिट आ जाएगा, ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड यू अंडरस्टूड व्हाई हम लोग स्पेशल अकाउंटिंग सीखते हैं, ओनली फॉर द कंपनीज विच आर देयर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। चलिए, दैट ब्रिंग्स मी टू द क्लोज ऑफ येट अनदर लेक्चर ऑफ कॉस्टिंग। I hope that you all enjoy this lecture. If you did, like, share, comment, subscribe. If you understood everything, you write down, I understood, sir. Complete all your pending homework that's there. And the notes of whatever we all do, you all can find on the Telegram channel. The link of that is also there in the description. Do remember that we do the best content that is there in costing, not only in inter, also in final CA. And that is why more than 80% of the crowd in Final CA in Mumbai comes to us for SCMPE. That is, in Final CA, the name of our subject is Strategic Cost Management and Performance Evaluation. I am Anuj. Goodbye. Thank you. Hi guys, welcome to the tip of the day. Hamara tip number one, pichle lecture ke andar jo tha, pichle chapter ke andar, that was ki marks and time are not proportional to each other. Concentration se padhai karo. Second, जब भी पढ़ाई करते हो
अगर तुम्हारा एक दिन है विद 24 आवर्स, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम रखो फॉर योर हॉबीज, एंड हॉबीज मीन गोइंग आउट, प्लेइंग विद पीपल और टॉकिंग विद पीपल. ओके, आई विल ऑलवेज से प्लेइंग विद पीपल इज अ बेस्ट ऑप्शन, लाइक क्रिकेट, लाइक बैडमिंटन, लाइक फुटबॉल, व्हाटएवर. बट टेक आउट टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स. सीए कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है लाइफ हैज बीन स्पॉइल्ड. ओके, यू गॉट टू बी परस्यूइंग योर हॉबीज, एंड हॉबीज कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट योर फोन एंड योर टेलीविजन. ये वाली हॉबीज आर बैड फॉर एनी करियर. फॉर यू ऑल हॉबी कैन बी एनीथिंग, बट परस्यू योर हॉबीज, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी परस्यूइंग योर हॉबीज, then in that case you will start to feel that you are sacrificing some big part of your life. And honestly, studies cannot be your hobby. Okay, it should not be your hobby. There should be some other things that are there in your life that should be your hobby. For me, playing was something that was most important for me. So every day, even in the study leave, even one day before the exams, one thing that I have done, at least I have played for 1.5 hours. That keeps my mind fresh. And that gives me a small kind of a guilty thing also. Yaar, डेढ़ घंटा ना मैंने पढ़ाई नहीं किया तो उसके बाद my concentration is far better. So this is one thing that I would like to tell to everybody as a tip, that you should pursue your hobbies. जो लोग सिर्फ पढ़ाई करके शायद all India first, second या third rank भी लेकर आ जाते हैं, towards the end if they do not have any other hobby, believe me, it reflects on their personalities. So those things are very, very, very important. I'll see you all with the third tip in the next chapter. Bye.